नमस्कार स्टूडेंट्स, टुडे डिस्कस अबाउट स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग। यानी आज हम बात करेंगे क्या क्या स्कोप है माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, माइक्रोबायोलॉजी में नर्सिंग के अंदर। नंबर फर्स्ट, डायग्नोस्टिक अप्रोच। जैसे कहाँ हम माइक्रोबायोलॉजी को यूज करेंगे नर्सिंग के अंदर, डायग्नोस्टिक में, आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। यानी हम जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, उसको क्या कर सकते हैं, आइसोलेटेड कर सकते हैं, यानी अलग कर सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी के द्वारा। उसके अलावा उसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, यानी उसको हम जान सकते हैं कि ये कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, किसके द्वारा, पैथोलॉजिकल लीजेंस के द्वारा। जैसे बिडाल टेस्ट करके हम ये जान सकते हैं कि ये टाइफाइड फीवर है और इसमें कौन सा टाइफाइड में कौन सा टिफी जो बैक्टीरिया होता है वो इसके अंदर है, ये हम माइक्रोबायोलॉजी से जान सकते हैं। इसके अलावा प्रोग्नोसिस ऑफ डिजीज़, यानी सबसे पहले हम डिजीज़ का क्या कर सकते हैं, डायग्नोसिस कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोग्नोसिस ऑफ डिजीज़, यानी हम डिजीज़ कैसे बढ़ रही है उसके बारे में हम जान सकते हैं। जैसे इसमें दिया गया, इन बिडाल टेस्ट राइसिंग टाइटर सिग्निफिकेंट एक्टिव डिजीज एंड इनफेक्टिव ट्रीटमेंट, फाइलिंग टायर मीन्स इफेक्टिव ट्रीटमेंट क्योर ऑफ डिजीज। यानी जो ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर डिजीज आगे बढ़ रही है तो वो काम नहीं कर रहा है, और अगर वो डिजीज वहाँ पर रुक गई है तो उसको हम देखेंगे कैसे कि डिजीज रुक गई है या आगे बढ़ रही है। तो ये सब हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर यानी टेस्ट करके ही देख सकते हैं। नेक्स्ट, गाइडेंस इन ट्रीटमेंट। यानी जैसे किसी को अभी डिजीज हुई है, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या है, उसको हमें हाई डोजेज की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन डिजीज धीरे धीरे सही होती जा रही है, तो उसको हम जानेंगे माइक्रोबायोलॉजी में टेस्टों के द्वारा, और उसके बाद में हम उसमें गाइडेंस ले सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए, कैसे हमें ड्रग्स यूज करनी है और कौन सी ड्रग्स हमें यूज करनी है, कौन से पर्टिकुलर इन्फेक्शन के लिए कौन सी पर्टिकुलर ड्रग्स हमें यूज करनी है। जैसे देखो, बाई कल्चरिंग द ऑर्गेनिज्म इन प्योर फॉर्म देन परफॉर्म ड्रग्स सेंसिटिविटी टेस्ट दैट कैन सजेस्ट द इफेक्ट ड्रग्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द पर्टिकुलर इन्फेक्शन। यानी इसमें दिया गया है कि कोई भी जो ड्रग्स है वो काम कर रही है नहीं कर रही है उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के लिए, तो ऐसे ऐसे सेंसिटिव टेस्ट होते हैं जिसमें कई सारे एंटीबायोटिक्स को एक देखा जाता है, कौन सी एंटीबायोटिक वर्क कर रही है, कौन सी सेंसिटिव है, कौन सी रिएक्टिव है, ये सब देखा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, यानी इन्फेक्शन के सोर्स का हम पता लगा सकते हैं टेस्ट के द्वारा कि एक्चुअली ये इन्फेक्शन हुआ कैसे। जैसे इन सडन आउटब्रेक ऑफ इन्फेक्शन डिजीज वी कैन फाइंड आउट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। नेक्स्ट, स्कोप की हम बात कर लेते हैं। देखिए, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर माइक्रोबायोलॉजी हैज एन इम्पैक्ट ऑफ मेडिसन्स, कहाँ कहाँ इसके अंदर स्कोप है, मेडिसन्स के अंदर, एग्रीकल्चर्स के अंदर, उसके अलावा फूड साइंस, इकोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी एंड मैनी अदर फील्ड के अंदर इसके अंदर स्कोप है। मैनी माइक्रो बायोलॉजिस्ट आर प्राइमरी इंक्रीज इन द बायोलॉजी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाइल अदर फोकस ऑन द स्पेसिफिक ग्रुप्स। जैसे एक एक की हम अलग अलग की बात करते हैं। जैसे देखिए, बायोलॉजिस्ट वायरस के बारे में रिसर्च करते हैं, ठीक है, बैक्टीरियोलॉजिस्ट बैक्टीरिया के बारे में, साइकोलॉजिस्ट जैसे एल्गे है इन सब के बारे में, इसके अलावा माइकोलॉजिस्ट फंगाई के बारे में, प्रोटोजोलॉजिस्ट प्रोटोजोआ के बारे में। अब सबसे पहले बात करेंगे मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी क्या है, डील विथ डिजीज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स। यानी इसके अंदर किसके बारे में अध्ययन किया जाएगा, ह्यूमन और एनिमल के अंदर होने वाली डिजीज के बारे में। आइडेंटिफाई एंड प्लान मेजर्स टू द एलिमेंट एजेंट्स कॉजेटिक इन्फेक्शन डिजीज। यानी देखिए, ह्यूमन के अंदर, एनिमल के अंदर ऐसी कौन से बैक्टीरियाज है या ऐसे कौन से एजेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो डिजीज करते हैं, इन सबका अध्ययन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में किया जाएगा। तो आप उसके अंदर भी अपना कैरियर बना सकते हैं मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, यानी आप रिसर्च के ओर जा सकते हैं। इम्यूनोलॉजी के अंदर, यानी स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम, जो बॉडी के इम्यून सिस्टम उसकी स्टडी की जा रही है, दैट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम पैथोजेंस। यानी जो पैथोजेंस है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनसे बॉडी को कैसे बचाया जा सके, क्या ऐसा डेवलप किया जाए, तो इस इम्यूनोलॉजी के अंदर भी
आप रिसर्च कर सकते हैं, आपका कैरियर बना सकते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर के अंदर एक बहुत बड़ा स्कोप है, इम्पैक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन एग्रीकल्चर, यानी जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनका एग्रीकल्चर यानी जो खेती बाड़ी है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, या कैसे हम जो प्लांट है उनको डिजीजों से बचा सकते हैं, ठीक है, और कैसे हम जो गुणवत्ता है उसको बढ़ा सकते हैं। मैं एक्चुअली इसमें मैन एग्रीकल्चर में कैसे हम प्लांट को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाते हैं, जैसे कई बार होते हैं ना खेतों में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कीड़े हो जाते हैं जिससे फसलें बर्बाद हो जाती है, तो उस सब के लिए हम रिसर्च कर सकते हैं और हमारा कैरियर बना सकते हैं उस लाइन में भी। और फूड एंड डेयरी माइक्रोबायोलॉजी, फूड एंड डेयरी ये एक बहुत बड़ा एक ब्रॉड एरिया है, जैसे कैसे खाने को बचाया जा सकता है ख़राब होने से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, चाहे आप वो मिल्क वाला एरिया ले लीजिए या आप अदर फूड का ले लीजिए, पेस्टीज वाला ले लीजिए, तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किस तरीके से पैक किया जाए, किस प्रकार की उसमें केमिकल्स मिलाए जाए फूड के अंदर जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उसको लंबे समय तक बचाया जा सके, ये भी एक रिसर्च का एरिया है। इंडस्ट्रीज माइक्रोबायोलॉजी की अगर हम बात करें, इंडस्ट्रीज के अंदर इंडस्ट्रीज जो होती है जिनके अंदर जैसे कई सारे आपके ताकत वाले डिब्बे आते हैं ना, बॉर्नविटा ये पता नहीं क्या क्या आते हैं, ठीक है, तो इन सब वैक्सीन्स आती है, स्टेरॉइड्स आती है, इसके अलावा एल्कोहल अलग अलग चीज़ों की जाती है, ये एक रिसर्च का एरिया है। इसमें कितना अच्छा प्रोडक्ट आप बना सकते हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, कैसे कैसे बचा सकते हो, कुछ अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बॉडी को हार्मफुल नहीं होते हैं, उनसे इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है, तो ऐसे रिसर्च का ये भी एक क्षेत्र है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर भी जैसे एंटीबॉडी वैक्सीन्स आदि ये ऐसे प्रोडक्ट बना के आप अपना कैरियर बना सकते हो। मोर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें टीम हेल्प, थैंक यू।